चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने मिलता है प्रिंसेस फ्लियो के साथ मिलने के लिए आई थी। फ्लियो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार मना करने के बावजूद भी प्रिंसेस यहाँ पर क्यों आई है। इसके बाद प्रिंसेस कहती है, ऐसे अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे माफी मांगने आई हूँ, लॉर्ड बांजा। फ्लियो अपना असली नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बाकियों को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद वो सभी घर के अंदर जाते हैं। बेली रोजा उन तीनों के लिए चाय बना के लाती है। प्रिंसेस यहाँ पर बेली रोजा के चाय की तारीफ भी करती है और अपना तारीफ सुनकर बेली रोजा शर्मा जाती है। इसके बाद प्रिंसेस कहती है, अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं लॉर्ड फ्लियो से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। इसके बाद बेली रोजा के साथ बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रियस प्रिंसेस को एक बार फिर से यहाँ पर देख कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। रियस कहती है, तुम्हें पता भी है मेरे हस्बैंड को किंगडम वालों ने कितना टॉर्चर किया और इसके बावजूद भी तुम यहाँ पर मुंह उठा के चली आई। इसके बाद प्रिंसेस कहती है, देखिए मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी हमला करने के लिए नहीं आई हूँ और मैं लॉर्ड फ्लियो के ऊपर हमला करने की सोच भी नहीं सकती। लॉर्ड फ्लियो के पास जितने दिन तक डिजिन जैसे कोई है तब तक मैं उनका बाल भी नहीं बाका कर सकती। यहाँ तक कि मुझे भी ठीक ठाक से मैजिक यूज नहीं करना आता, तो मैं कैसे अपने को चोट पहुंचा सकती। डिजिन इसके बाद प्रिंसेस की स्किल्स को चेक करती है और सब कुछ चेक करने के बाद डिजिन कहती है कि प्रिंसेस सच कह रही है। इसके बाद फ्लियो कहता, ठीक है फिर मेरी वाइफ को छोड़ के बाकी सभी कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद बाकी सभी वहाँ से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद फ्लियो के साथ शुरू से लेकर अभी तक जो जो भी हुआ सब कुछ के लिए प्रिंसेस माफी मांगती है। फ्लियो उसके बाद कहता है, आपको ऐसे झुक के माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और मैंने आपको पहले ही कहा था मेरा नाम बांजा नहीं, मेरा नाम फ्लियो है और मैं साधारण सा एक मर्चेंट हूँ। प्रिंसेस फ्लियो के इस बर्ताव को देखकर थोड़ी मायूस हो जाती है। प्रिंसेस कहती है, लगता है आप हमारी माफी नहीं स्वीकार करेंगे। फ्लियो कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन क्या आप अभी सीधे पॉइंट पे आ सकते हैं। प्रिंसेस इसके बाद कहती है, लगता है आपने मुझे पूरी तरीके से भांप लिया। इसके बाद प्रिंसेस अपने किंगडम का एक मैप निकालती है। ये मैप एक मैजिकल मैप था जहाँ पर ये पॉइंट आउट किया गया था कि कहाँ पर क्लायरोड किंगडम के नाइट्स हैं। फ्लियो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फ्लियो कहता है, आखिरकार आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे, ये मेरे ख्याल से किंगडम का टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद प्रिंसेस कहती है कि कुछ ही समय पहले कैसल के आसपास के एरिया में एक प्यूरिफिकेशन स्पेल इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है और डेमन आर्मी एक बार फिर से उन लोगों के ऊपर हमला बोल देंगे। अभी तक किंगडम के मेजेस पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए थे, तो वो लोग एक बार फिर से प्यूरिफिकेशन स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए प्रिंसेस ने अपने किंगडम के जियोग्राफिकल एरिया का इस्तेमाल किया और सब कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी एक टाउन ऐसा बच जाता है जहाँ पर डेमन्स के आर्मी का हमला करने का चांस ज्यादा है, और इसी वजह से उस टाउन का रक्षा करने के लिए प्रिंसेस फ्लियो के पास आई थी। प्रिंसेस यहाँ पर कहती है, मैं जानती हूँ कि पास में आपके साथ जो जो हुआ उसका पश्चाताप हम लोग माफी मांग कर नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज। प्रिंसेस इससे पहले अपनी बात पूरी करती तभी बीच में यहाँ पर रियस कहती है, अभी के अभी रुक जाओ, आखिरकार तुम अपने आप को सोचते क्या हो। मेरे हस्बैंड किसी के साथ भी लड़ाई नहीं करना चाहते और तुम उन्हें लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हो। प्रिंसेस इसके बाद कहती, क्या आप जानते हैं कि हमने प्यूरिफिकेशन स्पेल इस्तेमाल क्यों किया। आपके घर के आसपास एक डेमन को देखा गया था जिसने आपके जाने के बाद हमारे ऊपर वॉर घोषित कर दी थी। प्रिंसेस यहाँ पर डेमन किंग गोजाल के बारे में बात कर रही थी और ये सुनकर रियस और फ्लियो वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रिंसेस यहाँ पर ये भी कहती है, आपके साथ डेमन आर्मी का जो भी कनेक्शन है इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे वजह से आज आप ऐसे बर्ताव कर, लेकिन मौजूदा रूलर होने के मुताबिक मुझे उस टाउन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर से करना होगा। मेरे फादर प्यूरिफिकेशन स्पेल इस्तेमाल करने की वजह से अभी आराम कर रहे और वो काफी जल्दी जाग जाएंगे। मैंने सभी को आपके घर के आसपास आने से मना किया है, लेकिन मेरे फादर आने के बाद वो एक बार फिर से डेमन्स के ऊपर अपने सेना भेजेंगे और आपको रिक्रूट करने के लिए एक बार फिर से आपके पीछे सेना लगाएंगे, और तभी मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। रियस इसको सुनकर कहती है, क्या तुम हमें धमकाने की कोशिश कर रही हो। प्रिंसेस इसके बाद कहती है, मैं जब तक इस किंगडम की रूलर हूँ तब तक मैं अपने पावर का इस्तेमाल पूरी तरीके से करना चाहती हूँ। मेरे फादर इस किंगडम के रूलर बनने के लायक नहीं है और इसी वजह से मैं उनको सिंहासन से उतारना चाहती हूँ, और मैं ये अकेली नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए लॉर्ड फ्लियो। रियस इसे सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रियस कहती है, अच्छा तुम आखिर में जाकर मेरे हस्बैंड को ऐसे पॉलिटिकल मामले में उलझाना चाहती हो। लेकिन तभी अचानक से फ्लियो कुछ रियलाइज करता है। फ्लियो यहाँ पर रियस को शांत होने के लिए कहता है। इसके बाद फ्लियो कहता है, मेरे ख्याल से मैं समझ चुका हूँ कि आप किसके पीछे, आप ये गारंटी चाहते हैं कि मैं डेमन किंग के आर्मी को ना ज्वाइन करूं, है ना।
इसके बाद फ्लोरियस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता है। असल में जो क्लाइरोड का किंगडम था उसका जियोग्राफी काफी अच्छा था, उसके आसपास के एरिया में कोई भी पहाड़ नहीं था, तो इसी वजह से डेमन किंग की आर्मी से अपने किंगडम को बचाने के लिए प्रिंसेस ने अपने सोल्जर्स को इन्हीं कुछ टाउन्स पे लगाया था और बाकी बचा हुआ जो एक टाउन रह जाता है वहाँ पर आसपास बहुत सारे पहाड़ है और उसी टाउन के पास ही डेमन टेरिटोरी भी है और उसी के साथ साथ वहाँ पर जो पहाड़ है वहाँ के आसपास बहुत सारे जाल भी फैले हुए हैं और इन्हीं सब वजह से प्रिंसेस ने अपने सोल्जर्स को उस टाउन पे नहीं भेजा था। प्रिंसेस ने फ्लियो की मदद के बिना ही ये सारे स्ट्रेटजीज बनाए थे। अगर प्रिंसेस चाहती तो प्रिंसेस इस टाउन को छोड़ सकती थी, लेकिन प्रिंसेस अगर पॉसिबल होता है सभी टाउन्स को बचाना चाहती है। फ्लियो इसके बाद कहता है, आप मुझे इतना सब कुछ बता रहे, आपको नहीं लगता अगर मैंने मेरे डेमन दोस्त को बता दिया या फिर अगर मैं खुद डेमन आर्मी ज्वाइन कर लूं तो आपका सारा प्लान चौपट हो सकता है। प्रिंसेस कहती है, आप इसको लेकर कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर मेरा भरोसा जताता है, अगर आपने डेमन आर्मी को ज्वाइन कर लिया तो इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको जितना भी खिलौना दिखाऊं आपके सामने कुछ भी नहीं टिकेगा। पिछले 30 सालों में हमने डेमन्स की वजह से एक के बाद एक टेरिटोरी को गवाया, अगर मैं उन्हें सरपास करना चाहता हूँ तो यही सही वक्त है। इसके बाद फ्लियो कहता है, मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहिए और मैं किसी को जान से भी नहीं मारना चाहता। अगर आप सच में चाहती है कि मैं आपका मदद करूं तो ये सब कुछ आपको मेरी तरीके से करना होगा। प्रिंसेस ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें उसी टाउन पे ले जाया जाता है। अचानक से उस टाउन पे घंटी बजने लगता है और सभी लोग डेमन आर्मी के आने का वार्निंग देने लगते हैं। सारे विलेजर्स पीछे से गांव को छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका सुनने मिलता है और सभी देखते हैं कि अचानक से डेमन आर्मी बीच में रुक चुका है। इसके बाद में फ्लियो और रियस के पास ले जाया जाता है। रियस यहाँ पर अपने उल्फ वाले फॉर्म पे आ चुकी थी और फ्लियो ने अपना पहचान छुपाने के लिए एक मास्क पहना था। फ्लियो ने डेमन्स को रोकने के लिए इस टाउन के चारों तरफ एक बैरियर लगाया था। रियस यहाँ पर कहती है, डियर हस्बैंड, आपको नहीं लगता कि आप इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ही आसानी बरक रहे? फ्लियो कहता है, तुम जानती हो रियस मैं कैसा हूँ, मैं किसी को चोटिल हालत में नहीं देख सकता। अगर तभी मैं प्रिंसेस का रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेता तो सभी लोग कहते कि मुझे खरीदा गया है। वैसे प्रिंसेस को मारना होगा जब मैं उनके बातें सुनने के लिए राजी हुआ, तभी से प्रिंसेस ने ऑलरेडी मुझे हरा दिया था। फ्लियो के हारने के बाद से रियस काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। रियस कहती है, डियर हस्बैंड, तो क्या वो प्रिंसेस अभी आपकी बीवी बनना चाहेगी? मेरा मतलब डेमन्स के बीच में एक से ज्यादा वाइफ लेना इलीगल नहीं है, लेकिन वो एक इंसान है और मेरे बारे में क्या? लेकिन तभी फ्लियो कहता है, मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाला रियस। फ्लियो यहाँ पर रियस को समझाने लगता है और दूसरी तरफ बैरियर के पीछे से डेमन्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं और वो लगातार बैरियर को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद फ्लियो और रियस तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फ्लियो सभी डेमन्स को शांति से यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी डेमन्स यहाँ पर नहीं मानते। रियस यहाँ पर पीछे से कहती है, एक बात तुम लोग सच सच बताना, तुम मेरे हस्बैंड के इस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे हो, है ना? तभी अचानक से वहाँ पर एक आग वाला डेमन सामने आने लगता है। वो डेमन कहता है, लगता है तुम लुपिन ट्राइब को अपनी औकात देखा नहीं होगी। अपने भाई के बारे में तो जरूर याद होगा तुम्हें, वो अपने पूरे ट्राइब के साथ बिना कुछ किए बिना ही मर गया था। और सिर्फ वो नहीं, तुम्हारा पूरा ट्राइब ही कायर और कमजोर है। यह सुनकर रियस का खून खोल जाता है। रियस कहती है, डियर हस्बैंड, क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? ये बात सच है कि मेरा भाई डेमन किंग का टॉप 4 का मेंबर था और वो बिना कुछ किए बिना ही मर गया था, लेकिन मेरे भाई की नाकामी अभी उसकी खुद की है और इसने मेरे पूरे ट्राइब को इंसल्ट किया, आखिरकार मैं इसे कैसे जाने दे सकती हूँ? रियस के कहने के मुताबिक फ्लियो रियस को बाहर जाने का परमिशन देता है, लेकिन फ्लियो रियस को किसी को मारने से मना करती है। वहां जाते ही उन लोगों का बैटल शुरू हो जाता है। वो एक आग वाला मॉन्स्टर बहुत ही जोर से फ्लियो के ऊपर हमला करता है, लेकिन फ्लियो इसे बहुत ही आसानी से डॉज कर लेती है। ऐसे ही रियस तेजी से एक के बाद एक सामने और पीछे स्लैश करते जाती है और उस एक आग वाले मॉन्स्टर को हमले का कोई भी मौका नहीं देती। इसके बाद हमें देखने मिलता है रियस ने उस मॉन्स्टर के हाथ का चमड़ी भी उखाड़ लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें क्या लगा ऐसे छोटे मोटे हमले मुझे मार सकती है? रियस कहती है, सच में तुम्हारा चमड़ी तो बहुत मोटा है, लगता है तुम्हारा काम खत्म करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। एक बार फिर से वो डेमन अपने बैट से रियस के ऊपर हमला करती है, लेकिन रियस इसको भी बहुत ही आसानी से जंप मार के टॉच कर लेती है। इसके बाद रियस अपने मैजिक इस्तेमाल करके आसमान पे बहुत ही ऊंचा जंप मारती है
और आसमान में जाने के बाद वो अपना पोजिशनल एक्सचेंज मैजिक इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वो एक आग वाले मॉन्स्टर आसमान में पहुंच जाता है और उस एक आग वाले मॉन्स्टर की जगह रियस पहुंच जाती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के जगह को एक्सचेंज कर लेते हैं। वो डेमन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगता है और रियस और भी तेजी लाने के लिए ग्रेविटी मैजिक इस्तेमाल करती है, लेकिन वो डेमन इतने आसानी से हारने नहीं वाला था। वो तुरंत अपने बैट को लेकर अटैक के पोजिशन पे आ जाती है, लेकिन रियस एक बार फिर से अपना पोजिशनल एक्सचेंज मैजिक इस्तेमाल करती है और एक बार फिर से वो दोनों एक दूसरे का पोजिशन चेंज कर लेते हैं और वो एक आग वाला डेमन सीधे आकर जमीन पे गिरता है। इसके बाद रियस अपने मैजिक की मदद से बहुत सारे पैर को उठाकर बिल्कुल कील की तरह उसके हाथ और पैर को ब्लॉक कर देती है ताकि वो उठकर खड़ा नहीं हो पाए। वो डेमन कहता है, तुम ऐसे इंसानों वाले चाल इस्तेमाल करके खुद को एक डेमन कहती हो, तुम्हें अपने आप के ऊपर शर्म होना चाहिए। रियस यहाँ पर मुस्कुरा के कहती है, अगर मैंने इंसानों वाले चाल इस्तेमाल नहीं किए होते तो तुम अभी तक नहीं जिंदा रहते। इसके बाद वो डेमन बाकी सारे डेमन्स को रियस को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उससे पहले वो लोग कुछ कर पाते फिर उन सबको अपने बाइंडिंग मैजिक से रोक लेता है। रियस यहाँ पर कहती है, डियर हस्बैंड, आप चाहते तो इन्हें अकेले ही रोक सकते थे, तो आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? फ्लियो कहता है, इन्होंने तुम्हारे ट्राइब को इंसल्ट किया, तो देखा जाए तो ये मेरा लड़ाई नहीं था। रिया से सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इसके बाद फ्लियो अपने हीलिंग मैजिक से उस एक आग वाले डेमन को हील करता है। उस डेमन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार फ्लियो ने उसे हील क्यों किया। फ्लियो एक बार फिर से कहता है, मैं तुम सभी को यहाँ से एक बार फिर से जाने के लिए कहता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों को टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करके यहाँ से भेज सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम लोग वापस जरूर से आओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से अपनी मर्जी से जाओ। वो डेमन कहता है, आखिरकार तुम हो कौन? फ्लियो कहता है, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ जो अपनी बीवी के साथ शांति से वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन तुम लोगों ने अगर ऐसे ही मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी की तो मैं आगे से तुम लोगों के ऊपर आसानी नहीं बरकूंगा। फ्लियो यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज करता है, जिससे वो सारे डेमन्स बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इसके बाद सभी डेमन वहाँ से खुद से चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद रियस कहती है, डियर हस्बैंड, आपने तो कमाल करके दिखाया, लगता है आपके सख्त लौंडे बनने का ट्रेनिंग आज जाकर काम आया। वो दोनों एक दूसरे की गालों को लगाकर गुलू गुलू कर रहे थे, लेकिन इसके बाद रियस कहती है, लेकिन डियर हस्बैंड, क्या आपको लगता है कि ये काफी रहेगा? फ्लियो इसके बाद कहता है, देखो रियस, तुमने बात तो सही कही, अगर मैं चाहता तो मैं उन्हें और भी ज्यादा जल्दी रवाना कर सकता था, लेकिन इससे डेमन्स और इंसानों के बीच में नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाता। अगर वो लोग फिर से वापस आए, अब लोग एक बार फिर से सबको संभाल लेंगे। इसके कुछ देर बाद ही विलेजर्स वहाँ पर आते हैं। विलेजर्स आते ही उन दोनों को शुक्रिया कहते हैं। फ्लियो यहाँ पर रियस के ऊपर चढ़कर कहता है, हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस एलिजाबेथ के कहने पे आए हैं, तो अगर कोई शुक्रिया के लायक है तो वो प्रिंसेस एलिजाबेथ है। इसके बाद फ्लियो और रियस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें डेमन किंग गोजाल के पास ले जाया जाता है। डेमन किंग गोजाल भी फ्लियो और रियस का ही कारनामा देख रहे थे, तभी अचानक से वहाँ पर डेमन किंग का एक सर्वेंट आता है जो रिपोर्ट करता है कि डेमन किंग गोजाल का छोटा भाई यूई गार्डे ने डेमन किंग गोजाल के सिंहासन को हड़प लिया है और उसने अपने आप को ट्रू डेमन किंग कह के अनाउंस किया है। ये सुनकर यहाँ पर गोजाल का चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हमें यूई गार्ड के पास ले जाया जाता है। हमें देखने मिलता है यूई गार्ड के सर्वेंट ने फेक हीरो और उसके साथ साथ वो सुया नाम की लड़की को पकड़ लिया था और आने वाले अपने भाई के साथ डुअल के लिए उन दोनों का बलि चढ़ाया जाने वाला था। एंड दैट्स इट फॉर द चिलिंग इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 9। तो एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा जरूर मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो वैसे मिलते हैं नोटिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।